के लिए शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव का। अब थोड़ा ध्यान देंगे स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ। कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है, तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहे, गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डली हुई है। काई की माला है, धतूरे की सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं, वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई है और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खरगोन खंडवा कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है, एक प्रयास कर देखने, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है और जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिवजी को समर्पित करना प्रारंभ करो। अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते धीरे धीरे जल को चढ़ाना। पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का एक एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है, बोलो तो जम के देखा देखा है ना, जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है, धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती, अरे बोलो जम के बोलो, देखिए आप लोग धतूरे के अंदर ये धतूरा ठीक है। अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है, जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी है इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए, अशोक सुंदरी, और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिवजी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो, पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, जम के बोलो सबको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह होती है। जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है, उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी,
सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर नाम कौन सा ले रहा है जम के बोलो जरा कुंदक काईश्वर कौन से महादेव ये रोग भगवान शिव इस कथा से हमको तीन चीजें ले लें। पहला जीवन में एक बात याद रखना जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकन गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें पाठ करें मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है मना नहीं पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिवजी को चढ़ाने के लिए तो मंदिर से आते समय वो कलश वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिवजी का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं बुजुर्ग बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें दो बूंद एक हथेली में पानी आए भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य सफल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है उस भाई का मुख किसी ने देख लिया किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था वो भाई का मुंह देखा था वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो गया। अर्थात खाली पात्र नहीं ये दूसरे नंबर शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए एक पत्र आएगा भगवान से निवेदन कर विनती कर बैठो अभी अभी बैठो आप बैठो सबके सबको बात सुनेंगे अपने हृदय की बात करते अपने आप शिव से तो तीन चीजें याद रखेंगे बीकानगांव वालों समझ में आ गया सबको। पहला आसन में लाश से नहीं सरसाना ना उठाना दूसरे नंबर पर खाली शिवजी को जल और बहुत ध्यान देना मंदिर का लोटा लेकर मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे तीन दोष समाप्त होते हैं पहला पितृ दोष दूसरे नंबर पर वास्तु दोष
तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये तीन दोष घर का पानी ले जाकर शिवजी को चढ़ाने से समाप्त होते, घर से जल जाते। तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस आए, पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब करा कर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर दर्शन कर कर पलट कर उसको देख कर उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आ। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे, विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो कि तू गंगा जल है, नहीं तो ऐसे ही बह रहा है, लोग उसमें चमड़ा भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वस्त्र भी धो रहे हैं, चप्पल भी धो रहे हैं, और जिसने मान लिया कि ये गंगा का जल है तो पूजन करी, आराधना करी और गंगा का आचमन उसने गंगा जल मानकर करा है तो उसका कल्याण भी हुआ है। आप अगर मानोगे कि शिव है तो शिव है, आपने अगर मान लिया कि हमने तो केवल कथा में सुना है सीओर वाला हमारा चिल्ला चिल्ला करके था सारी समस्या का हल, एक लोटा जल केवल आपने अगर दिखावे से करा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब दिल से शिव की आराधना करो। अंधकासुर को देखा, शिव जी ने कहा इसको पटक दे समुद्र के अंदर, नहीं नहीं ये आपका पुत्र है, मैं इसको ऐसे पटकने वाली नहीं हूँ। शिव जी ने कहा ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। सारे देवी देवताओं का मंदिर रात को बंद हो जाता है। बोलो बोलो सही है, सबका मंदिर बंद हो जाता पर दो, एक मां देवी दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा शेरों वाली और दूसरा मेरा देव अधिदेव महादेव, जिनके दरवाजे वो तो अब लोग क्योंकि माता जी पर भी सोने का चांदी का जेवर होता है, शिव जी का भी श्रृंगार होता है, खूब सोना चांदी का श्रृंगार होता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी तुम महेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका दरवाजा बंद होता है, कोई कोई घाट पे बैठे हुए, कोई कोई मंदिर में बैठे उसमें दरवाजा ही नहीं है, छतरी है केवल। पहले शिव जी ऐसे ही बैठते थे, माता रानी भी पहले ऐसी बैठती थी। तुम शीतला माता को देखो, जहाँ तुम नवरात्र में अपने शादी ब्याह होते हैं तो देवी जी का पूजन करने जाती हो, वहाँ कोई मंदिर में तो शीतला माता ऐसी एक छोटे से पाषाण स्वरूप में आराम से बैठी हुई है, लोग जाते पूजन करते चले जाते। माता का वहां पर दरवाजा भी नहीं होता था, शंकर जी का भी द्वार नहीं होता था, वैकुंठ में द्वार है, ब्रह्म लोक में द्वार है, इंद्र लोक में द्वार है, पर आप में से कई लोग कैलाश पर्वत घूम कर आए, कई लोग गए कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए, जो कैलाश गए हैं वो आए ना तो उनसे पुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है और ये बीज अंकुरित जरूर होगा, अर्थात एक ना एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक एक लोटा जल, क्योंकि ये कलयुग नहीं ये शिव युग है। गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी और वह सीओर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था तो वो वैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर, तो निश्चित था।
और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ गया उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा आ गया रे, क्यों आया है, क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूँ, पर मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह चिंता। उद्धव जी का परिवार वालों ने पूछा, चोरी जिंदा थी तब गंगा जल दे दिया था ना बेटा, जब प्राण छूटा नहीं तो मैंने वो नहीं, इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। अब प्राण छूटने का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय किसी को नहीं मालूम कि कब मरोगे, कब तुम्हारे प्राण छूटेंगे। इसलिए शिव पुराण कहती है, पल पल हर क्षण हर घड़ी 21,600 श्वास जो शरीर से निकल रही है, प्रत्येक श्वास में जब तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब 5 मिनट उसको भज लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव बोल लो, ओम नमः कर लो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। इंतजार मत करना कि मैं नहाऊंगी तब भजूंगी, और नहाने से पहले निपट गई। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना, यहाँ तो शास्त्र कहता है, काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाएगा, शिव भजेगा समय निकल जाएगा फिर कब कब। इसलिए कोई समय नहीं, खेती पर जा रहे हो, पानी देने जा रहे हो, अच्छी नहीं आ रही है, बहुत घाटा लग रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना, हमें शंकर भगवान का जाप करते करते पानी भी दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, खेती भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ट्रैक्टर भी चलाओ और बीज भी बो तो ट्रैक्टर में भी खाना लगा दो तो बीज में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सिलाई मशीन चलाओ तो श्री शिवाय नमस्ते, तुम जपते रहो, भजन करते रहो, इस मन में करो। क्या है मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर नाथ, मेरे नागेश्वर नाथ की कृपा क्या है? जब कथा पूरी हो जाएगी, जिस भंडार गृह में भंडार चल रहा है उसी भंडार गृह में एक बार झांक कर जरूर आना, जितना तुमने बाबा के खजाने में लगाया है बाबा उतना भर कर फिर तैयार रहता है। ये शिव उसकी करुणा, उसकी दया उदारा। मैंने